नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कहानियों में कई ऐसे देवताओं का जिक्र मिलता है जिन्हें किसी न किसी वजह से स्त्री का रूप धारण करना पड़ा था। कहा जाता है कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, राम भक्त हनुमान, देवराज इंद्र और अर्जुन को स्त्री रूप धारण करना पड़ा था। हालांकि इन सब के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह रही है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को भी एक बार स्त्री रूप धारण करना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अंधक नाम के दैत्य ने जबरन माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने की कोशिश की। ऐसे में माँ पार्वती ने सहायता के लिए अपने पति शिव जी को बुलाया। अपनी पत्नी की इस दैत्य से रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके आर पार कर दिया, लेकिन अंधक की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि त्रिशूल के प्रहार से उसके रक्त की एक एक बूंद से राक्षसी अंधका का निर्माण होता चला गया। यह देख माता पार्वती को एक बात तो समझ में आ गई और वो ये थी कि हर एक देवी शक्ति के भीतर दो तत्व मौजूद होते हैं। पहला पुरुष तत्व जो उसे मानसिक रूप से सक्षम बनाता है और दूसरा स्त्री तत्व जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद माता पार्वती ने उन सभी देवियों को आमंत्रित किया जो शक्ति का ही रूप है। उनके बुलाने पर हर देवी ताकत स्त्री रूप में वहां उपस्थित हो गई और अंधक दैत्य के खून गिरने से पहले ही अपने भीतर उन्होंने समा लिया, जिसके कारण राक्षसी अंधका का उत्पन्न होना कम हो गया। लेकिन फिर भी अंधक के गिरते हुए रक्त को ख़त्म करना जब संभव नहीं हो रहा था, तब भगवान गणेश को मैदान में उतरना पड़ा और वो भी अपने स्त्री रूप में आ गए। विनायकी के रूप में प्रकट होकर गणेश जी ने अंधक का सारा रक्त पी लिया। इस तरह से गणेश भगवान समेत सभी देवी शक्तियों के स्त्री रूप की मदद से अंधका का सर्वनाश संभव हो सका। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।